लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जग गई क्या? आज नल में पानी नहीं आ रहा मैडम। क्या जी, आज भी पानी नहीं आएगा? आज तो आज एक महीने तक नहीं आएगा। ऐसी बेहूदा जगह है, पानी तक नहीं मिलता। उठाऊं या ना उठाऊं? उठाया तो लात पड़ेगी। कि क्यों उठाया? इतनी अच्छी नींद सो रहा था। अगर नहीं उठाया तो जूते पड़ेंगे। कि क्यों नहीं उठाया? उठाने को कहा था तो जूता खाऊं या लात लात ही खा लेता हूं। साहब, ए साहब, साहब, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। काशीराम, ये क्या है? जूते पहना रहा हूँ साहब। एक ब्राउन है और पीला है। ₹300 कम पड़ रहे हैं। आज दुबे का पैसा लौटाना है ना। अरे तो फिक्र क्यों करती है, आज मुझे भी पेमेंट मिलने वाली है, दे देंगे। सलाम साहब। सलाम। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम क्या समझती थी कि हम भूल जाएंगे आज तुम्हारा जन्मदिन है? हैप्पी बर्थडे राशि। थैंक यू वेरी मच। और आज की शाम की चाय के साथ केक भी राशि की तरफ से होगा। आज 17 तारीख है। कल 18 तारीख है। हाँ तो क्या 18 तारीख है तो क्या उसका? नहीं, वो मैं कह रहा था कि कल शाम को गांव जा रहा हूँ ना। हाँ हाँ जाओ। नहीं, वो 15 के बजाय अगर आप 20 दिन की छुट्टी दे देते तो। 20 दिन की छुट्टी क्या, तो हमेशा की छुट्टी ले ले, समझा? लौट के मत आना, तेरी ये रोनी सूरत मुझे दोबारा नहीं देखनी, समझ में आ रहा तेरी? इडियट। नाइन्थ। आप तो मुझसे बहुत ऊपर जा रही हैं, मैं तो 7th फ्लोर पर ही। अरे लिफ्ट को क्या हो गया भाई? लगता है बिजली कट गई। अब ये क्या मुसीबत है, फंस गए भाई। अरे कोई है? अरे अरे हम फंस गए लिफ्ट में। आप घबरा तो नहीं है? आई होप कि किसी बेवकूफ को समझ में आए कि हमको आकर यहां से निकाले।
ये बिजली वाले भी अजीब होते हैं, जब की चाह शुरू कर दिया, जब की चाह काट दिया। अब न जाने कब शुरू होगी, शाम को होगी, रात को होगी, कल होगी, कल होगी। समझते नहीं ये लोग, अगर मुझ जैसे बिजी आदमियों को, मेरा मतलब अगर आप जैसे बिजी लोगों को भी यूं फंसा रहना पड़ा तो कितनी मुसीबत होती है। अब देखिए ना, आपका भी कितना काम रुका हुआ पड़ा है, आप कितनी परेशान हो रही है, थोड़ा बहुत तो मैं भी परेशान हो रहा हूं। सोचिए जरा मेरा क्या होगा, इतनी जरूरी मीटिंग तबाह हो गई, मेरा तो सत्यानाश हो गया ना। इस देश का क्या होगा, क्या वक्त की कोई कीमत ही नहीं है? सोचने वाली बात है, आप भी सोचिए, अगर हम जैसे इंपॉर्टेंट लोगों को जिंदगी भर लिफ्ट में बंद कर दिया गया तो सुधार तो होने से रहा ना? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनता नहीं है, हम बगे जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बोलने से कोई मतलब नहीं है, चुपचाप भुगतना पड़ेगा, आप कुछ मत बोलिए, चुपचाप बस चल पड़ी। आप तो ठीक है ना? ओह शुक्र है, 7th floor तो आ गया। ये तो अच्छा हुआ कि हम दोनों साथ थे, आपस में बात करते हुए वक्त निकल गया, वरना आप अकेली कितनी परेशान हो जाती बेचारी औरत जात। मुझे देर हो रही है, वरना मैं आपको ऊपर तक पहुंचा देता, संभल के जाइएगा। हैं? टाटा। मैंने सब डिटेल्स नोट कर ली हैं। ठीक है। It'll be a pleasure to give you the best service. Thank you. नमस्कार। टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी। आप? वैसे टैक्सी तो मैंने रोकी थी। ओह, नहीं नहीं, आप ले जा सकती हैं। Please. Thank you. Oh, you're most welcome. Cake. Very good, very good. Lovely. Cake, मेरे बचपन की कमजोरी है ना। जब मैं केक देखता हूँ ना, सब कुछ भूल जाता हूँ। सर, रवि साहब की फ्लैट का सारा काम पूरा हो चुका है। गुड। लेकिन सर, बहुत अच्छा केक है। फ्लैट के लिए जिस तरह की कारपेट की हमें जरूरत है, उसका फ्रेश है ना? ना तो कलर मिल रहा है और ना उसका साइज। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। मैंने बहुत सारी शॉप्स देखी सर, लेकिन लगता है मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा। हाँ तो दे दो, दे दो। लवली। वैसे मैंने रवि को 3:30 का टाइम दिया हुआ है, तब तक सब काम खत्म हो जाना चाहिए। हो जाएगा सर। गुड। मैं फ्राइडे को ही पूरा कर दूँगा। वेरी गुड। हाँ, ये शेड बिल्कुल ठीक है, सिर्फ इसके बॉर्डर पे वाइट स्ट्राइप चाहिए और इसकी मोटाई भी 1/2 inch और चाहिए। ये चेंजेस तो ऑर्डर पे ही बन सकता है मैडम। ठीक है, आप ऑर्डर ले लीजिए। वैसे मैडम, इतना बड़ा कारपेट ऑर्डर देके बनवाएंगी तो बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा, करीब 40,000 का। लेकिन होगा बहुत बढ़िया। आप और जब आपके ड्राॅइंग रूम में लगेगा तो 4 चांद लगा देगा। परेशान मत होइए, मैं कोई आपका पीछा वैसा नहीं कर रहा हूँ। ये महज एक इत्तेफाक है कि हम एक ही दिन में आज तीसरी बार मिल रहे हैं, वरना बम्बई जैसे बड़े शहर में तो लोग एक बार मिलने के बाद जिंदगी भर दूसरी बार नहीं मिलते। राशि जी, आप शायद हैरान हो रही हैं मैंने आपका नाम कैसे जान लिया। ये आपकी किताब पर पढ़ लिया था मैंने, लिखा हुआ है ना, राशि वर्मा। मेरा नाम राजेश है। राशि। ओह नमस्ते दुबे जी। नमस्ते। मैं आपके घर गया था और वहाँ पर Excuse me. Sure, please. आई दुबे जी। चलिए। वो क्या है कि आज आपने पैसे देने का वादा किया और भूल गई? नहीं नहीं, मैं भूली नहीं, मैं तो बल्कि आज ही आने वाली थी। वो क्या है कि आज सवेरे से जल्दी निकल गई थी ना, कल आके आपको दे जाऊंगी पैसे। चलिए ना। चलिए। है ना कितनी अजीब सी बात, आज वो दिन में मुझे 3 बार मिला।
वैसे वो मुझे काफी अमीर लगता है, और मजे की बात तो ये है कि मुझे भी अमीर समझ बैठा। उसने सोचा वो कारपेट मैं अपने लिए खरीद रही हूँ। जरा सोच, मैं अपने लिए कारपेट खरीद रही हूँ। वैसे राजेश भी एक अलग सी बात है, उसकी चाल, उसके बात करने का ढंग, उसका दोस्ताना अंदाज, जैसे उसे बरसों से जानती हूँ। रहता कहाँ है? मालूम नहीं। करता क्या है? मालूम नहीं। फिर उसे मिलने की उम्मीद है? मालूम नहीं। तो बत्ती बंद कर और चुपचाप सो जा, बोर मत कर। गुड नाइट। काशी, कितने प्यार से बुलाया शाम में, पहली बार। चाय लेकर आता हूँ। थोड़ा सा पुराना है। तुम यहाँ रहते हो? हाँ जी हाँ। चपेट, मैं तो समझी थी कम से कम कोई ढंग की जगह होगी। आप बैठिए ना। क्या बैठूं? कहाँ बैठूं? ये गंदगी। प्लीज नाराज मत हो राशि। देखो मैं सारा पूरा घर बदल दूंगा, नया कारपेट लगवा दूंगा, 40,000 रुपए आना। लेकिन राशि, मेरा तो दम घुटा जा रहा है यहाँ, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। कि मुझे छोड़ के मत जाओ राशि। राशि तुम्हारे बगैर ये घर अधूरा हो जाएगा राशि, मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा राशि। मुझसे वादा करो राशि, मुझसे वादा करो। मैं वादा करता हूँ, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं ये रहूंगा साहब, मैं आपको वादा करता हूँ, मैं गांव भी नहीं जाऊंगा साहब। इडियट, क्या क्या कर रहा है, क्या क्या कर रहा है तू? आप ही ने तो हमने पास बिठाया। गेट आउट, गेट आउट। गेट। राजेश से मुलाकात कैसे हो सकती है? आज भी वही है कॉमर्स बिल्डिंग में। हाँ, उसका ऑफिस वही होगा, 7th फ्लोर पर। राशि से मुलाकात कैसे हो सकती है? हो सकता है कॉमर्स बिल्डिंग में उसके किसी रिश्तेदार का ऑफिस हो 9th फ्लोर पर, और वो उससे मिलने जाया करती हो हमेशा। कल इसी टाइम तो आया था, आता होगा। मैं 7th फ्लोर पे ही इंतजार करती हूँ। चलिए। कौन सा फ्लोर? 7th। कल इसी वक्त तो आई थी, आज भी आनी तो चाहिए। मैं 9th फ्लोर पर ही उसका इंतजार करता हूँ। प्लीज। विच फ्लोर? 9th। हो सकता है वो मुझसे मिलने 9th फ्लोर पे आया हो। हो सकता है वो मुझसे मिलने 7th फ्लोर पे गई हो। हुँ?
तक नहीं आया, आज उसका ऑफिस बंद होगा। आज तो नहीं आई, कल ट्राई करते हैं। खूबसूरत पेंटिंग है ना। उस तस्वीर के बारे में तो पता नहीं, हमारे सामने जो तस्वीर है वो बहुत खूबसूरत है। आपको पता है आप दूसरों से इतनी अलग क्यों हैं? क्योंकि इतने बड़े, इतने अमीर घराने के होने के बावजूद भी आप में कितनी नम्रता है, कितना सादापन है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि
जो आजकल की लड़कियों में नजर ही नहीं आती, आप में कितना घरेलूपन है। मेरे ख्याल से बहुत देर हो गई है, अब मैं चलूंगी। हाँ हाँ चलते हैं। वेटर, वैसे आपका बंगला आप रहती कहाँ हैं? अच्छा रेस्टोरेंट है ना? हाँ भाई, हमारे हमारे स्टैंडर्ड से तो ठीक है। अब आप लोगों के लिए पता नहीं कैसा है या कैसा नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपको घर छोड़ दूँ? वो कपड़े प्रेस कर रही थी, बैठे ना। बैठिए। कहाँ बैठिए? यहाँ रहती हैं आप? जी। अफसोस, मैं तो समझा किसी राजमहल में रहती होंगी। ये टूटा हुआ शीशा बहुत ही अफसोस की। प्लीज गिर पड़े। प्लीज डू नॉट टच, छुओ मत, छुओ मत। क्या हुआ? वो क्या है कि मेरी एक सहेली गिर गई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको देखते हुए घर जाऊंगी। मैं टैक्सी ले लूंगी। ठीक है, अगर मैं बहुत बड़ा बोर नहीं हूं तो क्या कल आप मेरे साथ लंच खाएंगे? ये जगह ठीक रहेगी? वो आपका, तो कल 1 बजे। गुड नाइट। गुड नाइट। भाई मुबारक हो चोपड़ा साहब, बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट आपने हासिल किया। अरे भाई, नेपाल गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, इनके दिमाग की तो तारीफ करनी चाहिए जो ये इनको इतने आसानी से मिल गया। चेयर जी, चेयर, चेयर। मैं पापड़ लेके आता हूँ। कितना प्यारा बच्चा है, कौन है ये? ये अपने चोपड़ा साहब हैं, 23 साल पहले के। अच्छा अच्छा, तो ये आप हैं? ओह, यू आर सो स्वीट। मेरी माँ को ये तस्वीर बहुत पसंद है, इसकी बड़ी अहमियत है उनके लिए। उनके मुताबिक तो मैं अब भी इतना ही हूँ। मेरी माँ भी मेरे लिए ऐसे ही कहती है कि मुझ में बिल्कुल छोटे बच्चे की सी अकल है इनकी तरह। तुम, मैं तो कहता है कि बच्चे जितनी भी अकल नहीं है बेवकूफ। अरे कमाल है, हमारे गांव के नाई का भी यही कहना है आपकी तरह। अब तुम जाओगे यहाँ से? गाड़ी छूटने में तो बहुत वक्त है अभी। लेकिन तुम यहाँ से अभी निकल जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ अभी। आप लोग ये सब खा लीजिए। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा, जय राम जी। जय सर। अच्छा स्टुपिड सर्वेंट, प्लीज कैरी ऑन। हाँ भाई, पियो पियो। फ्लैट का डेकोर फर्स्ट क्लास और उम्दा होना चाहिए। मिस्टर चोपड़ा दिल्ली गए हुए हैं 7 दिन के लिए। और उनका नौकर भी गांव गया हुआ है 7 दिन के लिए। और ये फ्लैट भी तुम्हारे पास होगा 7 दिन के लिए। केक खाओ, केक खाओ। हेलो अग्रवाल साहब। हाँ गुड मॉर्निंग। देखिए भैया, मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आज ही वो ऑर्डर का कंफर्मेशन आ गया है, तो अब आप कंसाइनमेंट डिस्पैच कर दीजिए काठमांडू। सॉरी देर हो गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई खास देर तो नहीं। आइए। एक जरूरी काम था, सोचा खत्म कर लूं ताकि फ्री हो जाऊं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, अब आपका कोई काम नहीं, आप बिल्कुल फ्री हैं। हाँ वो देखिए, मुझसे गुस्ताखी हो गई है जी। मैंने खाना आपके आने से पहले ऑर्डर कर दिया। कोई बात नहीं, आज आपकी पसंद का खाना खा लेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा है, खाना ले आओ प्लीज। आप देखना ये क्या आपको हमारी पसंद आती है या नहीं।
ये क्या? आपने ये क्या किया? इतना सारा खाना? बस थोड़ा सा ही तो है। लेकिन ये सब खाएगा कौन? हम दोनों खाएंगे। देखिए आप भी आज बिल्कुल फ्री हैं, मैं भी बिल्कुल फ्री हूँ, बस खाना ही खाना है जी भर के। लेकिन इसका तो एक एक चम्मच भी मैं खाऊंगी तो सीट से नहीं उठ पाऊंगी। तो जरूरत क्या है उठने की, आप जी भर के खाइए, उसके बाद मैं आपको आपके घर के अंदर तक छोड़ूंगा। लगा लो। ये तो घर के अंदर तक छोड़ने के लिए आएगा। हाय राम। खाइए खाइए। आज तो गई काम से राशि, इसने उस सड़े घर को देखा नहीं कि भाग जाएगा। आप तो कुछ खा ही नहीं रही हैं, शायद आपको खाना पसंद नहीं आया। हाँ लेकिन आपके यहाँ तो नौकर वोकर ऐसा खाना खाते होंगे ना, तो नहीं नहीं अच्छा खाना है। देखिए कितना खाया, काफी हो गया। वेटर बिल ले आओ। I'm sorry, हमारी पसंद आपको पसंद ही नहीं आई। ठीक है फिर तो आप कहें तो चला जाए, फिर घर छोड़ दूंगा आपको। आप खामखा परेशान होंगे, मैं चली जाऊंगी टैक्सी लेकर। लगता है आपको पसंद ही नहीं कि मैं आपके घर आऊं, शायद आप मुझे इस लायक ही नहीं समझती। मिस्टर चोपड़ा दिल्ली गए हुए हैं 7 दिन के लिए। और उनका नौकर भी गांव गया हुआ है 7 दिन के लिए। चलें। चलिए आइए। अच्छा तो फिर क्या, जरा दरवाजा तो खोलिए ताकि हम बैठे। जी हम चल रहे ना। कहाँ चले? मेरे घर। आप कहाँ रहती हैं? पेडर रोड। पेडर रोड? हाँ। बस बस यहीं। आप इस बिल्डिंग में रहती हैं? हाँ, क्यों? आई ना? हाँ, आई आई। नंबर। हे भगवान आज मेरी इज्जत रख लेना। आई ना, वहां क्यों रुक गए? नहीं ये घर आपका है? हाँ क्यों, थोड़ा छोटा है ना? नहीं नहीं बहुत अच्छा है ये घर, मेरा मतलब है आपका ये घर बहुत अच्छा है। बैठे ना। जी जी हाँ जी। क्या हुआ? ये घर आपने कब खरीदा? एक साल पहले खरीदा। ओ खाने पीने की शौकीन लगती हैं आप। वो क्या है कि कल रात एक पार्टी थी, कुछ फ्रेंड्स आए थे नीता के। नीता?
नीता मेरे बचपन की दोस्त, नौकरी करती है। हाँ। बहुत प्यारी है, हम लोग शुरू से हमेशा साथ ही रहे हैं, अब भी साथ ही रहते हैं, मेरे मतलब वो मेरे साथ रहती है। और कौन रहता है यहाँ? हाँ कोई नहीं, हाँ रहती है आंटी, मेरी आंटी। हाँ, आपकी आंटी भी यहीं रहती हैं? हाँ लेकिन इस समय बाहर गई हैं। देखिए ना, आपको चाय भी नहीं पिला सकती। क्यों? वो गैस खत्म हो गई ना। ओ, गैस खत्म हो गई। हाँ। खैर कोई बात नहीं। टेलीफोन। टेलीफोन जी। हेलो चोपड़ा साहब को फोन दीजिए। जी कौन? चोपड़ा साहब हैं? कौन सा नंबर चाहिए आपको? आपका नंबर 534390 है। नहीं नहीं रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। वैसे आपका नंबर क्या है? वही 534390। बहुत अच्छा नंबर है। मेरा भतीजा है। आपका क्या है? भतीजा। प्यारा है ना? हाँ वो तो होगा ही, लेकिन ये फूल? पिछले महीने बेचारा दुनिया छोड़ के चला गया है? हाँ। वो? चले। हाँ लेकिन आप तो यहीं रहती है ना? हाँ वो क्या है कि वो मेरी सहेली है ना, वो जो बीमार थी। अरे रे रे, वो भी चली गई? नहीं नहीं उसको देखने जा रही हूँ। आइए मैं आपको छोड़ देता। चलिए। हाँ, आप कहाँ रहते हैं? हाँ, मैं अब कहाँ रहता हूँ, यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ मैं। अच्छा। जी हाँ, आपका घर तो बहुत अच्छा है। आपका पर्स। थैंक यू। जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से लेकर अभी तक यही होता रहा है, नर के नष्ट का कारण नारी ही रही है, फिर भी इससे कोई शिक्षा लेता ही नहीं है। अरे जिसको देखो वो नारी के चक्कर में फंसता है, उसके जाल में उलझता है और खुशी खुशी अपना सर्वनाश कर लेता है और दुखी दुखी इसी तरह बैठ जाता है। बस तू तो बहुत बुद्धिमान था रे, तू एक अनारी की तरह फिसल कैसा गया? अरे वो तुच्छ नारी तेरे ही फ्लैट में तुझको ले जाकर कहती है कि वो फ्लैट उसका है। राशि को तुच्छ मत कहना, समझे? राशि को तुच्छ नहीं कहूं तो फिर क्या कहूं? तू समझता क्यों नहीं यार, सारे मामले में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है? उड़ी बाबा, हमको तो लगता है बहुत गंडगोल है। वो कोई चोर होगी रे, नहीं तो किसी खतरनाक गैंग की मेंबर होगी। और हो सकता है वो कोई स्मगलर हो, नहीं तो जेल से फरार कोई खूनी है। और या तो फिर हमको यकीन होता है वो जरूर कोई डाकू है। अब क्या होगा पटिक? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं, कहाँ गए होंगे?
भी तेरा तो सर्वनाश हो गया रे। देखा उस तू चुनौरी का ये करतूत, अपने सीटिंग किया है, ये दारू भरा मीटिंग किया है, अभी अपने बॉस को खबरदार करने गई है। मत कर यार, ये सब तो अमीर लोगों किया हुआ कल रात का। और फिर मेरा दिल नहीं मानता कि राशि गलत लड़की है। अरे दिल दे दिया है, दर्द ले लिया है, और तेरा तो सर्वनाश हो गया रे। उसके पास ये चाबी कहाँ से आई होगी? ये चाबी कहाँ से आई? और ये खतरनाक लोग मास्टर चाबी रखते हैं, कोनो भी ताला खोल लेते हैं रे। चाबी की डुप्लीकेट तो मैंने कपूर को दी थी ना। ये कपूर कौन है? अरे वही तो इंटीरियर डेकोरेटर है, उस कमबख्त ने ये फ्लैट राशि को किराए पर दे दिया होगा। उसे तो पता है ना, सात दिन तक मैं इस फ्लैट में हूं ही नहीं। और ये कुछ तो बुद्धि का बात कर रहे हैं, इसका कोनो मतलब निकलता है रे। लगता है तेरा तो सर्वनाश हो गया रे। चुप कर यार, बिल्कुल वैसे ही हुआ होगा जैसे मैं कह रहा हूँ। इस वक्त तो कहीं बाहर गई होगी, कहीं फिर से वापस आ जाए। चल चल, ने स्वाति कहा है, प्यार में आदमी अंधा हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, तेरा तो सर्वनाश हो गया रे। तूने जो कुछ भी किया सही किया, हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं वो भी सही है। कहीं वो फ्लैट वाला दिल्ली से टपक पड़ा तुम? अरे नहीं, उसने कहा है ना कि वो सात दिन नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अरे सच्ची नहीं आएगा? और तू पूछा सुन। अरे क्या, सात दिन तो शांति से जिए, मजे करें, यहाँ तो पानी की तकलीफ है। इस खटारे पंखे की खटखट से तो भेजा फटफट हो रहा है, और ये सब तेरे प्यार की खातिर ही तो कर रहे हैं, राजेश की खातिर कर रहे हैं, जिसे भ्रम है कि तू अमीर है। जब पोल खुलेगी तो देखा जाएगा। नहीं रोते, सब ठीक हो जाएगा, जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही कर। चल उठ उठ। आहा, कितना बड़ा हॉल है, क्या बात है, क्या जगह है, वाह, यहाँ तो हम क्रिकेट खेल सकते हैं। चल सर बचा, सर बचा। तू यहाँ क्रिकेट खेलेगी? अरे जाने दे, फिर एक काम करते बैडमिंटन खेलते। टक टक, तू यहाँ बैडमिंटन खेलेगी? हाँ ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ कल से भरतनाट्यम की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तू यहाँ डांस की प्रैक्टिस करेगी तो पड़ोसों का क्या होगा? रोनी सूरत मेरी हर बात पे टांग अड़ाती है, क्या करूं फिर। हाँ कल से जॉगिंग शुरू करते हैं। ये क्या, इतनी सारी शराब की बोतलें, कोई बेवड़े लगते हैं, कुछ छोड़ा भी नहीं, लो पकड़ो। तुझे तो गायब ही कर देती हूँ, बहुत झूठ बुलवाया। नीता, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे तो बहुत अच्छी नींद आ रही है उस कबाड़ खाने से। कितना आलीशान मकान, मजा आ रहा है। मुझे तो डर सा लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, देख कितना नरम नरम बिस्तर है, बेफिक्र होके सोचा, पहली बार तो ऊपर वाला मेहरबान हुआ है, चाहे सात दिन के लिए ही सही। लेकिन नीता मुझे सो जा। रोनी सूरत, आंख बंद कर, बंद कर। उल्लू की पट्टी। पटेक, ए पटेक। उरी बाबा, ये कैसा अनर्थ है रे? यार पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि ये लड़की गलत है। अरे वो लड़की गलत हो के सही हो, और ये कैसा अनर्थ है रे? अरे ना तो तू रात भर खुद सोया है और ना हमको सोने दिया है। मैं टेलीफोन करके देखता हूँ, हो सकता है वो आई ही ना। पूरी बाबा, ये कैसा अनर्थ है रे? हेलो हेलो, उरी बाबा ये कैसा अनर्थ है रे? वो लड़की उस फ्लैट में, और मैंने दिवराज से कहा था आज किसी भी तरह मुझे 50,000 रुपए लाकर फ्लैट पे पहुंचा दे। उरी बाबा ये कैसा अनर्थ है रे?
50,000 मैं फ्लैट के बाहर जाकर खड़ा हो जाता हूँ, जैसे ही देवर आ जाएगा उसको बारी पकड़ के पैसे ले लूंगा। 50,000 रुपया साहब हैं? नहीं, वो तो बाहर गए हैं। तो फिर आप ही रख लीजिए, साहब आए तो कह दीजिएगा कि लाला देवराज जी ने भेजे हैं। अच्छा ठीक है। ये 50,000 रुपए हैं। क्या ये 50,000 है? क्यों, तो फिर गिन लीजिए। लेकिन नहीं नहीं, गिन लेना ही ठीक है, चलिए गिन लीजिए। पूरी 50,000 तो हूं मैं चला। कचरा दे दीजिए मैम साहब। अच्छा रुको, लो आप जी। जी हाँ, वो मैं यहां से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आपको हेलो करता चलूं। आइए ना जी, आइए। अच्छा आप तो बिल्कुल पसीने पसीने हो रहे हैं। हाँ जी, वो बाहर 50,000 रुपए आ गए। हाँ वो बैंक से निकाले थे ना। लेकिन आपको कैसे मालूम कि ये 50,000 रुपए है? वो यूं ही, वो मैंने यूं ही अंदाजे से कह दिया कि 50,000 है ना। हाँ, खर्चे के लिए निकाले थे। ओ, 50,000 खर्चे के लिए? हाँ। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। क्यों, बैठे ना। नहीं अब तो कोई फायदा ही नहीं है ना। हाँ? मेरा मतलब है मैं फिर किसी वक्त आ जाऊंगा। अच्छा ये पूरे 50,000 गिनवा के छोड़ गया। बड़ा अजीब आदमी था सर, इतना मना करने पर भी नहीं माना। तो फिर क्या खाओ, वैसे तो मैं फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मिस्टर चोपड़ा फोन करते रहते हैं यहाँ पर, मैं उन्हें बता दूंगा। वैसे कोई वहां पर तकलीफ तो नहीं है? मेरे मतलब तुम फ्लैट में अकेली रहती हो और आसपास के लोग पूछताछ तो करते ही होंगे। नहीं नहीं, तो फिर क्या खाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो हेलो, मैं चोपड़ा बोल रहा हूँ। हाँ चोपड़ा साहब, आप कैसे हैं? दिल्ली का मौसम कैसा है? दिल्ली का मौसम बहुत खराब होने वाला है जी। आप मुझे बताइए, आपने मेरे फ्लैट का क्या किया? जी मैंने आपका फ्लैट दे दिया। क्या दे दिया? मैंने आपका फ्लैट राशि के सपोर्ट कर दिया। राशि? कौन राशि? राशि हमारे ऑफिस की सबसे ज्यादा होनहार और होशियार इंटीरियर डेकोरेटर है। हाँ, आपके बिजनेस सर्कल से कोई 50,000 रुपया दे गया है। हाँ हाँ, वो क्या हुआ उसका? उसने मुझे दे दिया। ओह अच्छा अच्छा, नहीं तो उसके आप कपूर साहब फिक्र मत कीजिए, वो आप अपने पास रहने दीजिए, कल मैं ऑफिस से मंगवा लूंगा। हेलो हेलो, इज दैट राशि? Yes. हाँ राजेश बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून भाई, आपकी गैस की क्या पोजीशन है? जी मैंने पूछा कि आपकी गैस की क्या पोजीशन है?
मेरी गैस मैं समझी नहीं। अरे भाई कुकिंग गैस जिस पर आप खाना बनाती है ना, उस दिन खत्म हो गया था जो। ओ कुकिंग गैस, हाँ वो तो आ गई। आ गई ना, तो फिर आपके अगर चाय की उम्मीद हो सकती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए। हेलो तो आज आप अकेली हैं? हाँ वो नीता ऑफिस गई हुई है। Oh, I see. वो तस्वीर कहाँ गई? हाँ, तस्वीर? वो जो आपकी भतीजे थी ना, जो वो बेचारे वो हाँ वो 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 आंटी ले गई। क्यों? मेरा मतलब है कि वो कहाँ ले गई आंटी वो तस्वीर? पुणे, आंटी पुणे गई हुई ना। खैर आप क्या करते रही सारा दिन अकेली अकेली? कुछ नहीं, यूं ही बस थोड़ी देर के लिए सो गई थी। ओ, अच्छा आप दिन में सोती भी हैं? नहीं यूं ही थक गई थी। हाँ और सुबह आप बैंक भी तो गई थी ना? जी हाँ, वो 50,000 रुपए निकाले थे ना सुबह घर खर्च के लिए? जी हाँ घर के खर्चे के लिए। आप बैठिए मैं चाय बना के लाती हूँ। चाय बन गई? क्या हुआ? वो क्या है कि गैस खत्म हो गई। ओ, गैस फिर खत्म हो गई? कुछ गड़बड़ है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, गैस खत्म हो जाती है। क्या करें? हाँ। एक काम करते हैं, किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाके चाय पीते हैं जहाँ गैस खत्म ही नहीं होती, राइट? जनाब का जन्मदिन 27 तारीख को है। उरी बाबा, ये कैसा अत्याचार है रे? अब दुई ठो खाना बनाना पड़ेगा। पहले एक ठो खाना बनाना पड़ता था, वो भी अपने लिए, वो भी कभी कभी हो जाता था। राजेश के घर भोजन का प्रबंध कर दिया है कन्या ने, अब आकर वो भी बंद। अरे वाह वाह, अरे हम तो कवि है ना रे। लेकिन अभी तो कद्दू काट रहे हैं। खड़ा हो गया? अभी कद्दू काट रहा है तो जल्दी करो भाई, भूख लगी है यहाँ। अरे कद्दू नहीं है लौकी है, दिखाई नहीं देता क्या तुमको? अरे कद्दू है कि लौकी है, मगर कितना अत्याचार है रे। गर्म गरम भोजन तैयार है रे। तुझे तो कपड़े धोने की बहुत प्रैक्टिस है ना? हाँ। तो मेरे भी धो देना जरा। ये कैसा अत्याचार है रे। मेरे तो सारे कपड़े वहाँ फंसे हैं ना, देखे नए लेके आऊँ। ये भी कम पड़ेंगे वैसे, तू धोते रहना इन्हें। मैं धोता रहूंगा, तू खाता रहे। खा रे। ये कैसा अत्याचार है रे? क्या हुआ रे? ये क्या खाना है सड़ा हुआ? न जाने कब तक खाना पड़ेगा ऐसा सड़ा हुआ।
उरी बाबा ये कैसा अत्याचार है रे। हेलो आप हाँ क्यों कोई आ रहा ना था नहीं तो आइए आप चलिए आइए ना अच्छा बदला लग रहा है आज। आप चाय पीजिए, मैं चाय लाती हूँ। ठीक है। नहीं, फोन है, आंटी का, पुणे से। ओह, फोन है, आंटी का, पुणे से, लीजिए। हेलो। हेलो, जरा चोपड़ा साहब को फोन दीजिए, मैं अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ, आंटी। मैं बोल रही हूँ आप ही के फोन का इंतजार कर रही थी आपका नंबर 534390 है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है तो फिर बताइए चोपड़ा साहब दफ्तर से लौटे या नहीं वो तो मैं 5 बजे लौट आई थी आंटी आंटी कमाल है मैं आपको आंटी सुनाई दे रहा हूँ अरे मैं रमेश अग्रवाल बोल रहा हूँ अच्छा रमेश अग्रवाल आए हैं क्या कह रहे थे बकवास मत करिए और चोपड़ा साहब को फोन दीजिए इस तरह का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ओहो मजाक तो वो करते ही रहते हैं इसमें नाराज होने की क्या बात है आप हैं कौन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ आंटी आप अपनी ये बेहुदा हरकत बंद करेंगी या नहीं मुझे चोपड़ा साहब से बहुत जरूरी बात करनी है काठमांडू से उनका सारा कंसाइनमेंट वापस आ गया है हाँ सब वापस आ गए काठमांडू से 2 लाख का नुकसान हो गया अरे वाह वाह 2 लाख आपने तो कमाल कर दिया है? लगता है आपका भेजा बिल्कुल खराब हो गया है आपको तो किसी पागल अस्पताल में होना चाहिए हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही है मैं चली जाऊंगी आप मेरी फिक्र मत करिएगा और सुनिए अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी आ जाइएगा हाँ बाय आंटी बहुत अच्छी हैं वो चाय जो पिला रही थी वो चाय हाँ चाय मैं अभी लाती हूँ कोई आया है? आप रहने दीजिए मैं देख लेती हूँ आप देखेंगे तो मैं अंदर बाथरूम में चला जाऊँ कहाँ मैं आपके बाथरूम में जा सकता हूँ मेरा मतलब है मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूँ वो अंदर बाएं जाके मुझे मालूम है मेरा मतलब है मैं ढूंढ लूंगा अच्छा सारा जल्दी में हूँ हे भगवान कौन था दूध वाला दूध वाला क्या बात है तुम इतनी परेशान क्यों सच बोल बोल वो हसीना क्या है कोई और निगाहों में सच बोल बोल वो हसीना ये बिखरे बिखरे गे सुतेरे क्यों चेहरे पे है पसीना हर धड़कन में है घबराहट ये घबराहट है कैसी घबराहट नहीं तो कोई बात नहीं ऐसी कोई बात नहीं ऐसी क्या
कहानी है जो तुमने, कौन सी है वो कहानी, बोलो कौन सी है वो कहानी। कांप रहे हैं होंठ तुम्हारे, प्यार की है ये निशानी, हाँ प्यार की है ये निशानी। सब समझ गए, सब कुछ समझ गए, क्या है कोई और निगाहों में। सच बोल बोल ओ हसीना, सच बोल बोल ओ हसीना। बसाया तुमने दिल में, है कौन वो किस्मत वाला, है कौन वो किस्मत वाला। अरे पूछ रहा है वही कि जिसने दीवाना कर डाला, मुझे दीवाना कर डाला। ओहो राज दिल खोल के तूने सच बोल के, कर लिया दिल में घर, आई जन्नत नजर। जो कहानी तेरी वो फसाना मेरा, आओ वादा करे ये इरादा करे, कभी होंगे नहीं हम जुदा, कभी होंगे नहीं हम जुदा। वो कोई और नहीं है निगाहों में, तेरे साथ साथ है जीना। कोई और नहीं है निगाहों में, तेरे साथ साथ है जीना, हम साथ 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 है जीना, हम साथ साथ है जीना। कौन है? एक औरत है, मैं देखती हूँ, पकड़ पकड़। बापरे मर गए, कौन है? मैं तुझे बताना भूल गई थी, टेलीग्राम आया था, चोपड़ा की माँ का, ये हुई है। चोपड़ा की माँ? अब क्या होगा? एक काम करते हैं, दरवाजा ही नहीं खोलेंगे, वो समझेगी कि घर में कोई है ही नहीं। ये बत्ती जो जल रही है, अब क्या होगा? अब तू इड़ दिखा, मैं देखती हूँ, तू खाना। कौन है आप, क्या चाहिए? ये फ्लैट नंबर 9 है ना? फ्लैट नंबर 9? हाँ फ्लैट नंबर 9। तो लेकिन तुम कौन हो? वो बिल्लू। बिल्लू? कौन बिल्लू? वो ये बिल्लू का ही घर है ना? जी नहीं, ये घर हमारा है, किसी बिल्लू बिल्ले का नहीं। हाँ क्या कह रही है, हे भगवान ये क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है, आप कौन है? मैं वो बिल्लू चोपड़ा, मैं चोपड़ा की माँ हूँ, और ये बिल्लू का ही घर है ना? आप मिस्टर चोपड़ा की बात कर रहे हैं? हाँ, वो यहाँ रहते थे, अब नहीं रहते, अब हम रहते हैं यहाँ, ये हमारा घर है, अब आप जाइए, जाइए। वो क्या है कि मिस्टर चोपड़ा अब यहाँ नहीं रहते, कहीं चले गए वो तो। वो बात ये नहीं है, बात ये नहीं है, बात ये है कि आप अंदर आइए ना। हाँ आप अंदर आइए, आइए ना, अंदर आइए, प्लीज अंदर आइए, आइए आइए। बिल्लू नहीं तो क्या हुआ? बिल्ली तो है, मेरा मतलब हम तो है। बैठिए। लेकिन अब बिल्लू ने घर कहाँ लिया होगा? कहाँ लिया होगा? कहाँ लिया होगा? अरे कहीं भी लिया होगा, आप इधर खाइए।
हमें मालूम तो नहीं घर कहाँ लिया है, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। हाँ, बिल्कुल फिक्र मत करिए, इडली खाइए, खाइए, खाइए। कितना लापरवाह लड़का है, घर बदल लिया और मुझे खबर तक नहीं दी, और मैं इतनी दूर रायपुर से आई, समझ में नहीं आता क्या करूं, सोचती हूँ वापस चली जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा क्या सोच रही हैं आप, हम आपकी बिल्लू का पता लगा लेंगे। हाँ। आप यहाँ आराम से रहिए। हाँ, इडली खाइए, खाइए ना, खाइए ना। तब तक मैं चाय बना के ले आती हूँ। मैं भी चाय बना के लाती हूँ। ये लीजिए चाय आंटी। लीजिए चाय आंटी। आंटी, मैं तो कहती हूँ आप यहीं रह जाइए ना। मैं भी कहती हूँ आप यहीं रह जाइए ना। हाँ, मैं यहाँ रह जाऊँ? हाँ, इसे अपना ही घर समझिए। हाँ, इसे अपना ही घर समझिए, यानी कि मिस्टर चोपड़ा का। हाँ? आंटी, हम आपको क्या पराये नजर आते हैं? हाँ, हम आपको पराये नजर आते हैं? नहीं बेटी, तुम लोगों की जैसी लड़की आजकल मिलती कहाँ है। आपका कोई लड़का है क्या? मेरा मतलब है, अगर है तो मैं उसे अपना भाई बना लेती हूँ, और क्या। आंटी, आप यहाँ बिल्कुल आराम से रहिए, मुझे पूरा यकीन है कि 3 दिन बाद आपकी बिल्कुल पता चल जाएगा। 3 दिन बाद? कैसे? 25 तारीख 3 दिन बाद तो है। हाँ, 25 तारीख 3 दिन बाद तो है। उसका मैं ठहरा देते हैं। चाय पी ली आपने? आपने चाय पी ली? इतनी जल्दी चाय खत्म कर ली? कोई बात नहीं, चलिए चलिए, आपको अपने कमरे में ले चलते हैं। चलिए, आइए, उठिए उठिए, आइए, चलिए चलिए, आइए आइए। ये रहा आपका कमरा आंटी। ये रहा आपका कमरा आंटी। अच्छा, आप यहाँ आराम से रहिए और किसी चीज की फिक्र मत करिए। हाँ, आराम से रहिए और किसी चीज की फिक्र मत करिए। और चलो चलो। अच्छा आंटी। हाँ? अरे अब क्या होगा, ये मुसीबत कहाँ से आ पड़ी? हाँ, मुसीबत ही है, सारा फ्लैट अपने कब्जे में था, न जाने बीच में ये बुढ़िया कहाँ से आ गई। चल साली को धक्का मार के निकाल देते हैं घर से। ये घर उसका ही, हमारा, उसके घर से उसी को धक्का मार के निकालेंगे। मेरे बॉस को पता चल गया तो बदनामी तो लोग में नौकरी में चली जाएगी। ये सब तेरी वजह से हुआ। अच्छा बाबा, रोती क्यों है? बुड्ढी को धक्का मार के घर से नहीं निकालेंगे। क्या? कुछ नहीं। कब उठी आप? यही थोड़ी देर हुई, वैसे तो रात भर ठीक से नींद ही नहीं आई। वो नई जगह है ना, शायद इसलिए। हाँ शायद, फिर मैं वो नालायक के बारे में सोच रही थी, अच्छी मुसीबत में डाल गया है मुझे। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ ढूंढूं उसे, तुम लोगों को भी मेरी वजह से परेशानी हो रही है। मुझे तो लगता है कि आपका बेटा आपको ढूंढने के लिए खुद ही आ जाएगा। तू नहीं जानती बेटी, वो लापरवाह लड़का है, पता नहीं बंबई में है भी या नहीं। तो क्या हुआ, जहाँ भी गए होंगे काम से गए होंगे। आपके पास उनके ऑफिस का पता तो नहीं है ना? पता तो नहीं बेटी, लेकिन टेलीफोन नंबर है। टेलीफोन नंबर है? हाँ, सूटकेस में है। आप वो मुझे दे दीजिए। हाँ। मैं आज ही फोन करके पता लगाती हूँ। अच्छा, वो ठीक होगा। कहाँ गई? चाबी दे रही थी। अच्छा, ये देखो। हाँ ठीक है, अब आप आराम से बैठिए। हाँ। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे हाँ, 25 तारीख कब है? अरे 25 तारीख तो परसों है ना। तो परसों यानी 25 तारीख को वो नई फिल्म लग रही है, रुसवाई, जो तुम्हें देखनी थी ना।
तो परसों आप सारा दिन हमारे साथ गुजारेंगे। डन? क्या बात है जानवर, तबीयत ठीक नहीं क्या? यूं ही सर में जरा दर्द शुरू हो गया। ओह, तो हम किस मर्ज की दवाएं? चलिए आपको समंदर की सैर करवाते हैं, सर दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। नहीं राजेश, आज रहने दो प्लीज। ठीक है, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं। वेटर, बिल। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी थकान हो गई थी। परसों चोपड़ा साहब जो आ रहे हैं, अभी तक उनके फ्लैट के कर्टन्स का रंग नहीं मिल रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर केक खा। ठीक है, मैं ही खा लेता हूँ इस बार। देखो, कर्टन वर्टन की टेंशन मत रखो, जब तक चोपड़ा साहब वापस आएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, डोंट वरी एट ऑल। कपूर स्पीकिंग। हेलो कपूर साहब। कौन? चोपड़ा बोल रहा हूँ। मिस्टर चोपड़ा, कैसे हैं आप? कैसे हैं? आपका फ्लैट करीब करीब तैयार ही हो गया है। हाँ? वो तो मुझे पता है। पता है? मेरा मतलब है कि वो तो हो ही गया होगा। मैं दरअसल आपको इसलिए फोन कर रहा हूँ कि मैं आपको बताना चाहता था कि मैं दिल्ली से कुछ दिन के बाद लौटूंगा। हाँ जी, मुमकिन है कि 6-7 दिन और रह जाऊं दिल्ली में। वेरी गुड, वेरी गुड। 7 दिन के बाद आपका फ्लैट इतना तैयार हो जाएगा कि आप पहचान नहीं सकेंगे। हैव अ केक, मेरा मतलब है। अच्छा अच्छा, बाय 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 बाय। अरे तू यहाँ बैठकर दिल्ली में से बात कर रहा है, ये कैसा पागलपन है रे? और क्या करूं यार, वहां राशि बेचारी परेशान है कि मैं कल दिल्ली से लौट रहा हूं। तू यहां बैठकर दिल्ली में से लौट रहा है, ये कैसा पागलपन है रे? अरे तू बंबई में रहता है, फिर भी तू बंबई में नहीं है। तू दिल्ली में नहीं है, फिर भी तू दिल्ली में है। रहता यहां है, बोल वहां से रहा है, यहां वहां वहां यहां, ये कैसा पागलपन है रे? आपने मुझे बुलाया सर? चोपड़ा साहब का फोन आया था, उन्हें सब कुछ मालूम है। जी, उन्हें मालूम है कि फ्लैट तैयार हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो 7 दिन के बाद आ रहे हैं। क्या चोपड़ा साहब 7 दिन और नहीं आएंगे? हाँ, और तुम इत्मीनान से काम करो और आज के दिन छुट्टी ले लो। हैव अ केक, खा खाओ खा खाओ। अच्छा है, थैंक यू सर। हाय मिस्टर राजेश, आइए। अरे वाह, आज आप बड़े अच्छे मूड में नजर आ रही हैं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो तो आपकी शक्ल से ही नजर आ रहा है ना। अंदर तो चलो। स्वीटहार्ट, थोड़ी भूख भी लग रही है, अगर जरा सा नाश्ता दे दो तो क्या बात है। ओहो जनाब, को भूख भी लगी है। ठीक है, पहले तुम चाय पी लो, तब तक मैं नाश्ता बना के लाती हूँ, फिर एक कप चाय और पी लेना। सूट्स मी, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। टेक योर टाइम स्वीटहार्ट, आई एम एट योर डिस्पोजल। हाउ स्वीट। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महे। पता नहीं क्यों ऐसे लगा जैसे मेरा बिल्लू ही है। अरे ये क्या हो रहा है? मैं अखबार पढ़ूं। लेकिन ये तो परसों का अखबार है। परसों का? आप परसों का ही मुझे चाहिए था, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम थी, मैंने मिस कर दी। जी अभी आई। नीता की आंटी हैं। क्या? नीता की आंटी? हाँ। ओ, मैं चलता हूँ ना। ओहो, लेकिन ये चाय और वो नाश्ता? नहीं, वो मुझे बहुत देर हो गई ना। लेकिन अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम सारा दिन फ्री हो।
हाँ था, लेकिन अब गड़बड़ हो गई। हाँ? वो एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट याद आ गया। राशि बेटी, क्या नाश्ता बनाना है मुझे बता दो, मैं बना देती हूँ। लेकिन ये तो जा रहे आंटी। क्यों बेटे, कुछ खा के जाओ। हाँ खा के जाओ ना। रहने दीजिए आंटी। अच्छा अच्छा, मुझे देर हो रही, मैं जाता हूँ, बुरा मत मानना। ये नाश्ता फिर कभी कर लेंगे, शाम को 5 बजे पार्क में मिलना, भूलना मत। हाँ अच्छा, कम से कम चाय तो पी लो। हाँ चाय पी के जाओ। राशि फिर कभी। हाँ अरे अभी तो हद हो गई, कितने आश्चर्य की बात है रे। हाँ यार, मां बंबई आई और नीता की आंटी बन गई है तो। अरे तेरी माँ नीता की आंटी बने, गीता की नानी बने, के सीता की दादी बने, बात वो नहीं है रे, बात तेरी है रे। और कितने आश्चर्य की बात है, धन की चोरी, मन की चोरी, काम की चोरी सुनी थी, माँ की चोरी नहीं सुनी थी, वो भी हो गई रे। हमेशा बात का गलत पहलू क्यों पकड़ता यार। अब देख माँ यहाँ आई है और वहां रह रही है, सोच रहे हैं कि राशि ने उनसे क्या कहा होगा। राशि ने कुछ भी कहा होगा, बात वहां नहीं है, बात कितने आश्चर्य की है। अभी भी नारी का रूप समझ में नहीं आया, और ये पगला ही नारी, पहला तेरा बुद्धि भ्रष्ट किया, बाद में तेरा फ्लैट का ऊपर में कब्जा कर लिया, अभी तुझसे तेरा मां छीन लिया रे, और तू तो अनाथ हो गया यार। तू हमेशा बेवकूफी की बातें क्यों करता है। मेरी मां मेरी मां है, मेरी मां रहेगी, उस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मैं वहां नहीं जा सकता। अब तुझे वहां जाकर अंदर की सारी बातें पता लगानी है, समझ में आई ये बात। अंदर और बाहर का बात तो बाद में होगा रे, ये कितना आश्चर्य की बात बस है। एक चाय दूसरी ले आ, ठंडी होगी। चाय का पत्ती खत्म हो गया है। एक और लो। क्या बात है आलू के पराठे की, मजा आ गया आंटी। वाकई बहुत बढ़िया बने आंटी। अच्छा। आंटी आपको तो बढ़िया बढ़िया खाना बनाना आता होगा। हाँ हाँ, तो आप काम करिए ना। हाँ सारा दिन खाना ही बनाते रहिए। अच्छा ना, क्यों नहीं क्यों नहीं, तुम लोगों को जो खाने को जी करे मुझे बता दिया करो, मैं बना दिया करूंगी। आप भी लीजिए ना आंटी। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है एक ले लीजिए, बाकी है ना मैं दफ्तर जाके खाऊंगी। अच्छा थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच, सी यू। अरे कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। डेट कहाँ हूँ, 5 बजे तो कहा था ना, देखो अपनी घड़ी। खाओ भाई, गुस्सा करते रहते हो। हाँ बजे तो 5 ही है। वो तुम्हारी आंटियाँ क्यों आई हैं? क्या? नहीं मेरा मतलब है कि कैसी हैं तुम्हारी आंटी? आंटी आंटी अच्छी हैं, आज उन्होंने आलू के पराठे बनाए थे। आलू के पराठे? आलू के पराठे तो बहुत ही अच्छे बनाती हैं। नहीं नहीं मेरा मतलब है कि ये जो बुजुर्ग औरतें होती ना आंटी जैसी, इनको ऐसी सब चीजें बहुत अच्छी आती है, पराठे खीर हलवा पूरी ये सब बहुत जानती है लोग। हाँ वाकई पराठे तो बहुत बढ़िया बने थे, मैंने तो ऐसे पराठे कभी खाए नहीं। सोच रही थी तुम्हारे लिए भी लेके आऊं। सोच तो फिर लाई क्यों नहीं? अरे वो अपनी जटोरी नीता है ना, सारे के सारे ऑफिस ले गई, कह रही थी कि आज लंच भी पराठों का ही करूंगी। अफसोस। अच्छा दोबारा कब बनेंगे ऐसे पराठे? दोबारा कल बन जाएंगे, तुम घर आ जाओ। नहीं ये तो ही नहीं सकता ना। क्यों? वो मैं 1 हफ्ते के लिए बिजी हूँ ना, तो मैं अगले हफ्ते आ जाता हूँ। अगले हफ्ते? तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा? क्या क्या खत्म हो जाएगा? हाँ मेरा मतलब है तब तक तो आंटी अपने बेटे के यहाँ चली जाएंगी। बेटे के यहाँ? हाँ वो उनका बेटा है ना बिल्लू, वो आजकल दिल्ली गया हुआ है, तभी तो आंटी हमारी यहाँ ठहरी है आजकल। अच्छा बिल्लू, अच्छा नाम है बिल्लू, इसका मतलब आंटी 1 हफ्ता तुम्हारे घर रहेंगी। अच्छा चलो किसी होटल में चलकर चाय वाय पीते हैं। होटल होटल में क्यों, घर चलते हैं, तुम्हारे घर चलते हैं। मेरे घर? हाँ वहाँ तुम्हारी माँ से भी मिल लेंगे। मेरी माँ से? नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? वो भी गई हुई ना मेरी माँ अपनी भतीजी से मिलने, तो माँ भी घर पर नहीं है और नौकर भी घर पर नहीं है, तो चाय कौन बनाएगा, इसलिए नहीं जा सकते। जा सकते हैं, चाय मैं बनाऊंगी, अब आप चलिए।
तो ऐसा करते हैं, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आया, रास्ते में एक फोन करते हुए चलते हैं। चलो चलो ओके। राजेश बोल, जल्दी बोल। राशि को लेकर अभी घर आ रहा हूँ और राशि के लिए आप, ये घर मेरा है, इसलिए तो फौरन बाहर निकल जा। अरे मगर हम तो अभी दीर्घ शंका निवारण हेतु जा रहे हैं। वो क्या होता है? हिंदी है ना, नहीं समझेगा। टट्टी जा रहे हैं, पैखाने जा रहे हैं। पैखाना मत जा, तू घर के बाहर जा और छोड़, घर की साफ सफाई करके जाना, मैं अभी आ रहा हूँ फौरन। अरे तू मगर राजेश, नहीं, घर साफ करूं, के पेट साफ करूं, उड़ 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 पेट 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 नहीं, घर भी साफ करना है रे। अरे राजेश यही टाइम मिला था, अरे पेट में गुड़ 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 पूरी बाबा पूरी घर साफ करता हूं, घर साफ करता हूं। अरे जालिम राजेश, नहीं पेट पेट नहीं, घर घर में घर में घर में क्या तुम यहां रहते हो? हां थोड़ा पुराना और छोटा है ना। हाँ। अरे ये क्या धोती? ये तो मेरे नौकर की है, नौकर तो चला गया, धोती छोड़ गया कमबख्त। क्या हुआ? मेरा घर तो तुमको पसंद आया ही नहीं होगा। हाँ, अरे नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि तुम इतने छोटे से घर में रहते हो मेरी तरह। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। हाँ, मजाक कभी कभी मजाक भी तो करना चाहिए। वरना कहाँ मेरा झोपड़ा और कहाँ तुम्हारा वो आलिशान फ्लैट। छोड़ ना, घर की बात ही नहीं करते, घर तो दिल में होता है और मुझे मालूम है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और बहुत प्यारा भी है ना। ये आवाज कैसी है? आवाज? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। मुझे लगता है किचन में कोई चूहा है। चूहा? हाँ, तुम यहाँ से हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना, मैं अभी देख कर आता हूँ। क्या कर रहे हो आई? क्या दुर्भाग्य है ये? अरे हमको दृघ शंका निवारण हेतु जाना है। मुझे आता है। उधर पैखाने टट्टी जाना है। तू जाना भी जा। उधर टट्टी पैखाना तो उधर है। तो बाहर जा, सड़क पे जा, गली में जा, कहीं भी जा, लेकिन यहाँ से जा। किधर जाए? उधर से, उधर से। ओए, उधर जो खींची है। टट्टी का। उधर कहीं तो बंदा है रे। अरे टट्टी इधर में निकल जाएगा। छोड़ मत, बचा। टट्टी इधर में निकल जाएगा। पूरी, पूरी। तीन माला है, मर जाएंगे। चूहा था? हाँ, बहुत बड़ा। भगा दिया मैंने उसको खिड़की से, निकाल दिया। अच्छा चलो अब मैं चाय बनाती हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, चाय की पत्ती और चीनी का रखिए, चल के बताओ। अच्छा अच्छा, चाय की पत्ती तो उसके बिना चाय कैसे बनेगी? हाँ, लेकिन वो चीनी का भी तो। चीनी भी चाहिए, चलिए। वो देखो, अरे वाह, किचन तो बहुत अच्छा है। गैस का चूल्हा भी है। वैसे तो गैस भी है। देखो मम्मी, फटी अंकल क्या कर रहे हैं? क्या दुर्भाग्य है रे। अरे पैखाना खोलो, पैखाना खोलो रे। कौन है? उरी उरी, लगता है पागल हो गया। आपका मतलब वो पागल है? पैखाना खोल रहे, खोल 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 खोल। दुर्भाग्य, मर गए रे, मर गए रे, मर गए रे, मर गए रे, मर गए रे। ये होगा, पाइप में लटका दिया है। ये तो नमक है। ओ, तो फिर ये होगा। अरे ये हल्ला? अरे उरी बाबा, इतना पब्लिक, पब्लिक में टट्टी, टट्टी में पब्लिक। क्या हो रहा है राजेश? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ चाय बन गई? टकने दंगे गड्ढा दवा भर के हाथ दंगे दिया ना। ठीक इधर टट्टी खोली में टट्टी टट्टी में नहीं, भेंजी है, भेंजी। क्या हो रहा है आपको? भेंजी अरे हट, भेंजी नहीं, उधर गुड़ 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 टट्टी इधर, लू टट्टी है, उधर टट्टी, टट्टी उधर है। अरे क्या कर रहे हो? कहाँ गए हो पागल? क्यों पागल हो गए?
इस तरह के पागल बहुत खतरनाक होते हैं, दौरा पड़ने पर अटैक करते हैं, खून भी कर देते हैं। तो डबल बैरल बंदूक ले उसे गोली मार दूं? बाबा इतना लोग जमा हो गया, अरे आप लोग ये हमको समझे हैं, हम वो नहीं हैं, हमको दृग संका निवारण हेतु जाना था, पैखाना टट्टी, अरे आप लोग नहीं जाता है, जुलाब जुलाब टट्टी पैखाना, ये क्या है? ये नीचे क्या हो रहा है? वो हमारी बिल्डिंग में एक पागल रहता है, उसके दौरा पड़ता रहता है। लेकिन ये तो तुम्हारा नाम लेके चिल्ला रहा है। वो हर किसी का नाम लेकर बारी बारी चिल्लाता रहता है। आज मेरी टर्न है, हम चाय पी ले। हम देखेगा। अरे बाबा, अरे छोड़ो हमको, छोड़ो, हम पगला नहीं है, हम पगला नहीं है, पगला नहीं है। राजेश, अरे राजेश, बचा ले। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अरे बाबा, हम पगला नहीं है, पगला नहीं है। अरे छोड़ छोड़, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे तो दिल बहुत घबरा रहा है। दिल तो मेरा भी बहुत घबरा रहा है राशि। हम जल्दी से चाय पी ले। राजेश बदमाश, हम तो तुझको अपना मित्र समझे थे ना, तू तो हमारा शत्रु निकला रे। अरे पीछे से हमरे पीठ के अंदर खंजर भोंका ना, अरे कसाई खाने में हमरा बोटी बोटी करने के लिए हमको छोड़ दिया रे। राजेश हमको बचा ले रे, अरे बचा राजेश। देवी जी, माता जी, हमको छोड़ दीजिए। इसको कसके बांधा है ना? जी हाँ। डॉक्टर गुड़ी बाबा, हमारी आंखें निकलता क्या? माफ कर दो ना। अरे हमारा आंखी में झाकी क्या करता है डॉक्टर साहब? हमारा आंखी का दोषी नहीं है, दोष हमारा घर में था, दोष हमारा पेट में था, हमको दृक संकार निवारण हेतु जाना था। नहीं समझे ना, शुद्ध हिंदी है। अरे हमको लेटरिन जाना था, टट्टी जाना था, पैखाना जाना था, वही समय हमको जल्दी में प्रस्थान भी करना था। लोग हमको गलत समझ लिए, हमको पगला समझ लिए, मगर अरे आप हमको पगला मत समझो। अरे हम पगला नहीं है, अरे हम पगला नहीं है, हम बंदूकाध्याय कवि है। अरे बंदूकाध्याय कैसे हो? बंधुपाध्याय बंधे हुए हैं, जरा हमको खोलता दे, हम तेरी चटनी बना देंगे। ये लो फूलदान, हम मंत्री हैं, प्रवचन कर रहे हैं तेरे सामने, लोग हमको पगला बोले, तू देखता रहा। अरे तेरे सामने लोग हमको बांध दिए, तू देखता रहा। अरे हम बंधा हुआ हूँ, तू देख रहा है। अरे तू मित्र नहीं है, तू शत्रु है, हम तुझको मार डालेंगे। मैं भी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। वो डॉक्टर को लेने गई है, फिर भी तू देख रहा है। तुझे छुड़ाने आया हूँ बेवकूफ, आज बंद कर। छुड़ाने आए? अरे तू जल्दी छुड़ा रे। उरी बाबा, इतना बड़ा इंजेक्शन, अरे मैं मनुष्य हूँ, हाथी घोड़ा गधा नहीं हूँ। नर्स, इन्हें कस के पकड़ो, आप भी पकड़िए। उरी राजेश, अरे बचा रे, बचा रे, बचा रे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, प्लीज कम, प्लीज आई आई। डॉक्टर साहब, दरअसल ये पागल नहीं है, ये तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बरसों का साथी, अच्छी तरह जानता हूँ इसको। दोष इसका नहीं है, दोष तो इसके फ्लैट का है, इसके पेट का है। वो क्या हुआ कि इसको जाना था वो टॉयलेट, टट्टी, पखाना, और उसी वक्त इसको जाना था फ्लैट के बाहर, तो वो जो टॉयलेट का वो उसी में सारा झमेला हो गया। आप? मैं राजेश, इनका साथी, अभी बता देते ना राजेश, मैं ही हूँ। नर्स, दरवाजा बंद करो। दरवाजा क्यों बंद करवाया आपने डॉक्टर साहब? अबे ये ले, ये क्या पकड़ लूंगा तुझे, चल पागल, चल चल आगे, फुल बॉल हाई पास, ये हट 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 फटिक चंद, बंधुपाध्याय पागला नहीं है, तुम पागला है, तुम पागल नहीं है। ठहरो, ये ले फूल, और इसका साथ में झूला झूल, और हम होता है फूल। Thank you.
कौन है आप? कौन है आप? अरे उरी माता जी, वो आपको चरण। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मेरा पाँव। माता जी माता जी माता जी, हमको ठुकराइए मत, हम वो अभागा बेटा हूँ। ये क्या माता जी बेटा जी चल रहा है? माता जी आप हैं पूरी बाबा। हाँ माता जी। ए, ए, क्या मैं तेरी माता जी जैसी लगती हूँ? देख तो बात करता है। पता नहीं कैसे गुस्सा है, पता नहीं कहाँ से आ गई ये मुसीबत। क्या हुआ पूरी? तू माता जी आप हैं, क्षमा करना माता जी। प्रणाम प्रणाम माते। जब से आपके हरण अर्थात चोरी का समाचार सुना, देश विदेश आपको ढूंढ ढूंढ खोज खोज समुद्र पार करके आपके चरणों में आ पहुंचा हूँ। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। नहीं पहचाना ना, ना। पहचाने के भी कैसे, आपने हमको कभी देखा ही नहीं है। और पहचानने के लिए हमारे पास अंगूठी भी नहीं है। अंगूठी? तुम क्या चाहते हो? ये भक्त माता आपकी खुशहाली जानने हेतु प्रकट हुआ है। आप कैसी हैं माते? मैं ठीक हूँ। क्या चाहिए? क्या कुछ? आप अच्छी हैं, आप खुशी हैं, अर्थात आपको इस अशोक वाटिका में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है बिल्लू की खबर लाया हो तुम। अरे ओ वानर जी, यहाँ कोई रामलीला चल रही है क्या? कौन हो तुम? हम वानर नहीं है, हम फटिक चंद बंदोपाध्याय कवि हैं। फटिक चंद? हाँ फाटा। फटिक जी आप यहाँ क्यों आए? हमरे यहाँ आने का तात्पर्य केवल प्यास बुझाना था। द्वार खुला देखा, आगमन कर लिए, अब आप लोगों की खुशी जान लिए हैं, अब हम प्रस्थान करते हैं। सुनिए, सुनाइए। आप किसी म्यूजियम से आए हैं क्या? फटीक जी, जी आप एंटीक हैं, लाखों में एक। आज शाम को क्या कर रहे हैं? वही करेंगे जो आप कहेंगी। 5 बजे? शाम को 5 बजे। उरी बाबा। ऐसी क्या देख रही हैं आप? जी करता है आप इसी तरह सामने बैठे रहें और मैं आपको देखती रहूं। सर से पांव तक कितने निराले हैं आप, कितने अनोखे हैं। आप सच्ची बोल रही हैं? यकीन करो डार्लिंग फटी, ये सब सच है। आप मेरे सपनों की राजकुमार हो। राजकुमार? मुझे यकीन था कि एक न एक दिन आप मेरी जिंदगी में जरूर आओगे। नीता जी, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे जीवन में ऐसा सब कुछ होगा। नीता जी आप कितनी सुंदर हैं, आपका ये मुखड़ा बिल्कुल चंद्रमा जैसा लगता है, आपके ये नयन बिल्कुल हिरनी जैसे लगते हैं, आपके ये मधुर मधुर होंठ हमको ऐसा लगता है जैसे संतरे की फाकी हो। उरी बाबा, हमको लग रहा है जल में से निकल कर जल परी जल फैल करके बाहर आ गई है। उरी बाबा कितनी प्यारी सुगंध है। आपको पसंद है? बहुत। मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन फटीक जी, अब ये सुगंध हमारी जिंदगी में नहीं रहेगी। काहे? इसलिए कि वो परफ्यूम अब खत्म हो गया है। अरे हम खत्म होने नहीं दूंगा। कौन सा परफ्यूम है वो? इवनिंग इन पेरिस। इवनिंग इन पेरिस? हम लाऊंगा ना। आप लाओगे? यू आर माय डार्लिंग एंटिक फटी। नीते जी। हेलो। हेलो राशि, हाँ मैं बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। देखो आज शाम को तुम हमारे साथ खाना खा रही हो। ठीक है, आज के डिनर जैसा मैं कहूंगी वैसा होगा। ठीक, तो फिर शाम को वहीं मिलते हैं उसी जगह पे। राइट, बाय। ओके बाय। गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा आपका ये मकान बहुत अच्छा है। सो आए तूने मकान देखा है? अरे ये मकान नहीं है, ये तो दुकान है। दुकान हमको सुगंध चाहिए। सो गुड इवनिंग इन पेरिस।
अच्छा अच्छा आपको परफ्यूम चाहिए ऐसा बोलो नहीं लो इवनिंग इन पेरिस इवनिंग इन पेरिस ये जो है इसका दाम कितना है 330 बाबा 330 कितना भयंकर है रे आप एक काम करो ये 10 और ये 30 ये 30 से कम है ये आप हमको दे दो सो 330 रुपया का माल तुमको 30 रुपया में देगा इधर फिक्स रेट है ये फिक्स रेट कितना भयंकर होता है रे ये फिक्स रेट को हम तोड़ते हैं आप इधर रखो हम आपको देखता हूँ आप ये 500 रुपया और ले लो और ये हमको दे दो नहीं सवाना सवाना सो मारू भेजो काय तुमको ये मानता है तो 330 रुपया दे और ले जाओ नहीं तो अपन जाओ बा माता मत खाओ जाओ अरे कितना भयंकर है वो हमारा मतलब है ये कितना भयंकर है आप एक काम करो ये जे 500 रुपया और ले लो और ये हमको दे दो तो फिर तुम काय को नहीं समझता है कि इधर भाव ता नहीं होता है ये जे आप हमको नहीं देगा ना तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा हमारा दिल टूट जाएगा हमारा प्रेमिका हमसे रूठ जाएगा तुम्हारा प्रेमिका रूठ जाएगा एक काम करते हैं हमारा आंटी का 500 रुपया आप और ले लो और ये हमको दे दो आप इतने में हम तुमको नहीं दे सकता देवी जी आप हमारा जीवन सुधार दो आप ये 500 रुपया और ले लो नहीं देवी जी अरे कुछ तो हमरे अरे आने वाले बाल बच्चों का ख्याल करो ये 500 और ले लो नहीं अब राजू भी नहीं देख रहे आप कोई बात नहीं 5 और 5 और 5 और नहीं अब आखिरी रास्ता रह गया है बस ये देखो ये जो है ना ये आखिरी 5 का नोट रह गया है ये लेके आप दे दो नहीं तो हमारा मतलब है कि हमारा पास और नहीं है अरे पर ये तो खाली 325 रुपया होगा हम कैसे दे देगा नहीं दे देगा तो हम जाते हैं नहीं 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 मत जाओ देखो ये 5 रुपया हम देता है और तुम ले हाँ बाबा धन्यवाद देवी जी थैंक यू वेरी मच गुड लक मैंने मारा रुस तुम लोग प्यार याद आवेगी हो हाय हाय हाँ तो आप बताइए कहाँ खाना पसंद करेंगे आप कॉन्टिनेंटल चाइनीज या इंडियन घर पे घर पर हाँ तुम्हारे घर पे मेरे घर पे मेरे घर पे तो खाना है ही नहीं मैं पकाऊंगी तुम पकाओगी वो क्या है कि बात वो है कि ये क्या है वो कि क्या होता है सीधे घर चलो तो मैं फोन कराऊं जब भी तुम्हारे घर चलने की बात होती है तुम फोन करने की बात करते हो तभी तो याद आती है उसकी देखो यही नजदीक में टेलीफोन है तुम यहीं बैठो मैं 2 मिनट में फोन करके अभी आता हूं ओके जाइए कोई उठा नहीं रहा है थैंक यू हो गया फोन घंटी बज रही है ना लाइन क्लियर है क्या घर चलते हैं घर चलकर तुम्हारे हाथ का खाना खाते हैं उसकी फिक्र मत करो अरे ये धोती फिर ये तो तुम्हारे नौकर की है ना हाँ मेरे नौकर की है वो वापस आ गया होगा कमबख्त तो फिर खाना नौकर बनाएगा अरे नहीं 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 उसके हाथ का खाना खाना तो अपने पेट पर अत्याचार करना है उसके हाथ का नहीं अच्छा बाबा खाना मैं बनाऊंगी चलो देखें किचन में क्या क्या है कमबख्त की जहां देखो दो तीन साली परफ्यूम की बोतल राजेश अरे देखो तो कितनी सारी सब्जियां हैं अरे वाह
क्या महक है? हाँ, लेकिन वो उस फूल की नहीं, वो तो इस फूल की है। और जब तुम दुल्हन बनकर इस घर में आओगी ना, तब देखना क्या क्या फूल खिलते हैं। मैं सब्जी बनाऊं? हम सत्य बोल रहे हैं नीते जी, हम आपके जीवन को खुशबू से महका दूंगा। आप हमारी बात का विश्वास कीजिए। लेकिन वो परफ्यूम है कहाँ? अभी तक तो दिया नहीं। धीरज रखिए, धीरज रखिए, पहले भोजन खाएंगे ना। हाँ, डिनर कहाँ खाएंगे? ताजमहल चलते हैं। ताजमहल? हमारे जेब में तो दो ही ठोठन नहीं है। क्या? चलो ना, ताजमहल चलते हैं। ताजमहल? आप कैसी बात कर रही है? वो तो बहुत दूर है ना। तो सन एंड सैंड चलते हैं, नजदीक है। सन एंड सैंड? वहाँ तो बहुत भीड़ रहता है, झमेला है ना। तो हॉलिडे इन सेंट और सी रॉक चलते हैं। नीते जी, ये होटल वाला खाना कोनो खाना होता है, समझे ना? अरे वो खाना तो बाभर्जी लोग बनाते हैं, नौकर बनाते हैं। अरे वो खाने में ना तो प्यार होता है, ना जज्बात होते हैं। वो खाना स्वादिष्ट हो ही नहीं सकता है, भला हम वो खाना आपको कैसे खिलाएंगे? तो फिर कहाँ खाएं? हमारे घर में। पूछो पूछो हाँ पूछो पूछो जरा हमसे, तुम क्यों अच्छे लगते हो? अरे पूछो 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 जरा हमसे, तुम क्यों अच्छे लगते हो? हाँ बोलो 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 जरा हमसे, तुम क्यों हमपे मरते हो? तुम क्यों हमपे मरते हो? झूठी झूठी है दुनिया सारी, सारी दुनिया की दुनिया दारी, एक तुम ही तो सच्चे हो, एक तुम ही तो सच्चे लगते हो। पूछो पूछो अब पूछो 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 जरा हमसे, तुम क्यों अच्छे लगते हो? छोटा सा घर है हमारा, देखो छोटा सा घर है हमारा, क्या कर पाओगी गुजारा? घर छोटा सा है तो क्या है, ये दिल तो है बड़ा तुम्हारा, अच्छी दिल तो है बड़ा तुम्हारा। मिल के सजाएंगे सपनों की दुनिया, सोच में पूछो पूछो हाँ बोलो बोलो, अरे पूछो 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 जरा हमसे, तुम क्यों अच्छे लगते हो? पूछो हाँ बोलो बोलो,
पूछो 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 जरा हमसे तुम क्यों अच्छे लगते हो। कितनी दूर है आपका घर? टैक्सी कर लेते हैं। चलो ना। ठंडी में टैक्सी? अरे घर तो इधर में ही है, टैक्सी का क्या जरूरत है? केवल एक थोड़ा ठंडी में हम टेलीफोन कर लेते हैं। फोन? भिंडी आलू मटर रायता, भाई खाना तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत दिनों के बाद इतना प्यार भरा और मजेदार खाना देखने को मिला है। फटाफट खा लेते हैं। चम्मच तो लाने दो। चम्मच? अच्छा जल्दी से ले, बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी, अब तो रहा नहीं जाता। हेलो, हम प्रेमिका के साथ आगमन कर रहे हैं, तू प्रस्थान कर। क्या? हेलो सुनो, हेलो लो, खाने का मजा तो गरम गरम खाने में है। तो फिर ठंडी ठंडी हवा खा ले। क्या हवा? वो खाना खाने से पहले ठंडी हवा खाने से बहुत फायदा होता है। और क्या होता है? हाँ भूख भी बहुत लगती है। चलो। नहीं, खाना ठंडा हो जाएगा। चलो। क्या हुआ? क्या हो गया? जी 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 जी, घबरा रहा है, चक्कर 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 आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। चलो मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ, थोड़ी देर लेट जाओ। नहीं नहीं, लेट नहीं, लेटूंगा तो लूट जाऊंगा, लेट नहीं। तो मुझे मार ले। चलो, ठंडी 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 हवा, ठंडी हवा ही मेरा आखिरी इलाज है, मरने से पहले ठंडी हवा खिला दो। चलो चलते हैं। चलो करेक्ट, चलो चलो। और खाना? पहले ठंडी हवा खाते हैं, फिर गर्मा गर्म खाना खाते हैं। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे खाना तो ढंग दो। जल्दी करो, देर हो गई तो तबाह हो जाऊंगा, लूट जाऊंगा। हाँ देर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। ठंडी हवा, ठंडी हवा खिला दो, मरने से पहले ठंडी हवा। आती हूँ। हो गया। राजेश, अब कैसी तबीयत है? अब कुछ ठीक है, लेकिन तुम दबाना जारी रखो क्योंकि तबीयत खराब भी हो सकती है। ए, 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 जे है ना, अब आपका मकान है। मेरा? हाँ, ये मकान है, मकान है। कितना अच्छा है तुम्हारा मकान। क्या महक रहा है तुम्हारा घर? कितना महक रहा है रेली। लगता है हमारा जीवन बहक रहा है। ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है। तुम कितने अच्छे हो एंटिक फटीक। सर्वनाश बोलो, बुरी बाबा बोतल खाली। अरे राजेश मवाली। डार्लिंग। यस डार्लिंग। ये सूट किसका है? उड़ी बाबा, ये सूट, ये सूट हमरे नौकर का है। नौकर है या साहब है? अरे कमीना है, सड़क गांव चला गया, सूट यहाँ पटक गया है। अरे वाह, आप मेरे लिए परफ्यूम लेकर आए। थैंक यू डार्लिंग पति, जब भी मैं तुमसे मिलने आऊंगी इसे लगा कर आऊंगी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम भिन कभी नहीं आओगी। क्यों नहीं आऊंगी? मैं रोज मिलने आऊंगी। अरे वाह, अरे ये सब क्या है? अरे वाह, इतना सारा खाना किसने बनाया? नौकर ने। नौकर ने? कितना समझदार है। चलो जल्दी खा लेते, बैठो बैठो। कितना अच्छा है तुम्हारा नौकर, जाते जाते खाना बना के गया। खाना तो बना गया लेकिन हमारा खाना खराब कर गया। मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड तो मुझे भी लग रही है। हम दोनों चलकर गाड़ी में बैठे। गाड़ी में? या तो बैठे बैठे ठंडे हो जाएंगे हम दोनों। लेकिन तुम तो कह रहे थे तुम्हें ठंडी हवा की जरूरत है इलाज के लिए। हाँ वो लेकिन मैं अब काफी ठीक हो गया हूँ। काफी ठीक हो गए? चलो फिर घर चल के खाना खा लेते हैं। लेकिन वो खाना तो ठंडा हो गया होगा। तो मैं गर्म कर दूंगी। चलो चलो ना। चल रहा हूँ, धक्का कर दूँ। क्या हुआ? गाड़ी ठंडी हो गई। ठंडी हो गई? हाँ, अब स्टार्ट नहीं होगी। अब क्या होगा? पता नहीं, टैक्सी वैक्सी ढूंढेंगे, कुछ करेंगे। टैक्सी? टैक्सी कहाँ मिलेगी भैया? पता नहीं, यहाँ 10 तो बज गए। हाँ 10 बज गए, फिर तो बहुत देर हो गई। ऐसा करो, अगर कोई टैक्सी मिले तो मुझे घर छोड़ाओ। तुम घर जाओगी? तो फिर मैं स्टार्ट करके देखता हूँ, शायद स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट हो गई, अजीब गाड़ी। स्टार्ट हो गई, चलो फिर तुम्हारे घर चल के पहले खाना खा लेते हैं। लेकिन अभी तो तुमने कहा था तुमको घर जाना चाहिए, तो वो देर हो रही है। तुम्हारी आंटी फिक्र कर रही होगी ना, तुम सीधे घर ही जाओ। बहुत देर हो गई।
सॉरी राशि, आज का तो सारा प्रोग्राम तबाह हो गया, लेकिन कल सारी कसर पूरी कर लेंगे। हाँ, कल किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे और बहुत बढ़िया लंच खाएंगे। ओके, तो बताओ कल कहाँ मिल रहे हैं हम? मंदिर में। मंदिर में? लेकिन 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 कुछ नहीं, वो पार्क के पीछे देवी का मंदिर है ना, कल वहाँ मिलेंगे ठीक 10 बजे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। राशि, आज मेरे एंटिक फटिक ने अपने घर पे मुझे डिनर खिलाया। फूल गोभी, आलू मटर, भिंडी, रायता। क्या? फूल गोभी, आलू मटर, भिंडी, रायता? हाँ, बहुत टेस्टी था, बिल्कुल तेरी स्टाइल से बनाया था, ऐसा लगता था कि तूने ही बनाया है। मैंने तो खूब दबा के खाया भाई। लगता है ये बुढ़ी रात भर खांस के अपने को बोर करेगी। जरा बैग तो दे, जल्दी ला, जल्दी ला। आइडिया। एक काम कर, इसमें कि ना ये ले 3 गोली, उसको खिला दे। ओह, आपको तो बहुत खांसी हो रही आंटी। पुरानी खांसी है बेटी। ये लीजिए, ये गोलियां खा लीजिए, आपको आराम आ जाएगा। लीजिए पानी। तू कितनी अच्छी है बेटी। बस चलिए, आप सो जाइए। अब मैं सो जाऊंगी, तू जाके सो जा। सो जाऊंगी। देखा, खांसी कैसे बंद हो गई? कमाल है, खांसी तो वाकई बंद हो गई। अरे कैसे नहीं बंद होती, तू उसे नींद की गोली जो खिलाई है। क्या वो नींद की गोलियां थी? हाँ। उसमें की एक गोली अच्छे खासे आदमी को 8 घंटे बेहोश रखती है। बुड्ढी तो 3 अजम कर गई। हराम, कुछ होगा तो नहीं? अरे जो होगा सो होगा, अपन तो आराम से सोएंगे। चल सो जा, बहुत हो गया। ये चोपड़ा की माँ अचानक मर कैसे गई? मर नहीं गई, मार डाली गई नीम की गोलियां देकर। लगता है किसी घर वाले का ही काम है। पुलिस को इत्तला कर दी गई है, पुलिस आती होगी, कातिल जरूर पकड़ा जाएगा। राशि बेटा, बहुत देर हो गई, उठो। हाँ। क्या बात है, बड़ी खुश दिख रही हो, कोई अच्छा सपना देख रही थी? हाँ, सपना देख रही थी। साला लंगूर, खाली बॉटल प्रेजेंट किया। देवी जी, इवनिंग इन पेरिस। फिर इवनिंग इन पेरिस? नो, अभी वो बात नहीं है, फिक्स रेट है ना, फिक्स मनी लाए हैं, राजेश से पूरा 330 रुपया लिया है। बेटी तुम मुझे बहुत पसंद हो, जब से तुम्हें देखा है तुम मेरे मन में बस गई हो। जब देखो घर के कामकाज में जुटी रहती हो, तुम्हारे जैसी लड़कियां आजकल के जमाने में मिलती कहाँ है। वैसे बिल्लू मेरा बेटा है तो नालायक, लेकिन होनहार भी है। मैं कब से सोच रही हूँ तुमसे। ओहो, अरे देखो तो कितनी प्यारी लग रही हो हैं। अगर तुम्हारे जैसी सुशील, समझदार और सुंदर लड़की मेरे बेटे मिलने को। ये क्या है? खीर। ये लो खाओ। आज मेरे बिल्लू का जन्मदिन है ना, इसलिए खीर बनाई थी। हर साल उसके लिए बनाती हूँ, इस बार वो मेरे पास है नहीं, फिर भी बना ली। भगवान जाने वो इस वक्त कहाँ भटक रहा होगा। बेटी काश तुम्हारे जैसी बहू मेरे बिल्लू को मिल जाए ना, तो उसकी जिंदगी सवर जाए और मैं भी चैन से मर सकूं। खीर बहुत अच्छी बनी आंटी। हाँ, तुझे अच्छी लगी ना? हाँ। मैं तेरे लिए और ले आती हूँ। आंटी आज मेरी एक सहेली का भी जन्मदिन है। हाँ? उसके लिए थोड़ी सी खीर ले जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत बनाई है। मेरा बिल्लू होता ना तो एक चम्मच भी ना बचती, उंगली चाट चाट के खाता है मेरा बिल्लू। उंगली चाट चाट के खाता है मेरा बिल्लू। Thank you.
ए, ये क्या हो रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्वयंवर में कोई राजकुमार बैठा हुआ है और राजकुमारी उसको वरमाला पहनाने जा रही है। राजकुमार तो विराजमान है, वरमाला कहाँ है राजकुमारी जी? इन सब बातों के लिए अभी आप बहुत छोटे हैं। छोटा जी? ये देखो, छोटा लग रहा हूँ? आप पहले नीचे आइए फिर बताते हैं। हाँ, अब बताओ। अभी अभी जना आपको कुछ घंटे तो हुए इस दुनिया में तशरीफ लाए। अरे आपको कैसे मालूम आज मेरा जन्मदिन है? हमें तो बहुत कुछ मालूम है, कैसे और क्यों ये अभी आप रहने दीजिए और जरा मंदिर चलिए। हाँ चलो। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। वाह, खीर तो बहुत मजे की है, किसने बनाई? आंटी ने। लेकिन तुम्हारी आंटी को कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? आज आंटी के बेटे का भी जन्मदिन है, वो हर साल उसके लिए खीर बनाती हैं। बस तुम्हारे लिए थोड़ी सी ले आई। भाई तुम्हारी आंटी वाकई बहुत ही प्यारी होंगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरा ठीक करता उनका मुंह। मेरा मतलब है उनके पैर छुरू। जय हो, जय हो। ये क्या कर रहे हो? आंटी के पैर छुरू। हाँ वैसे हैं तो बहुत अच्छी और बहुत प्यारी भी हैं, लेकिन गड़बड़ ये है कि मुझे अपनी बहू बनाना चाहती हैं और वो मुझे इतना प्यार करती हैं कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा उनको मना कैसे करूं। मना मत करो। मेरा मतलब है कि तुम कैसे मना कर सकती हो, जब वो तुम्हें इतना प्यार करती हैं, इतना चाहती हैं, तो तुम्हें मना करना भी नहीं चाहिए। और इसके अलावा उनका लड़का खूबसूरत हो ना हो, शरीफ जरूर होगा और वो तुम्हारे लायक भी होगा। मैं जानता हूं तुम मेरे बारे में फिक्र कर रही हो, लेकिन तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए। आखिर मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि तुम्हारी जिंदगी सुखी हो जाएगी। अरे ये तो बताती जाओ आंटी ने शादी की तारीख कौन सी तय की है। इसकी फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं, जब भी होगी आपको पता चल जाएगा। अरे सुनो तो सही, मैं तो मजाक कर रहा था भाई, मजाक कर रहा था मैं। अरे तुम्हारी आंटी तो क्या, तुम्हारी आंटी की आंटी भी हमको अलग नहीं कर सकती। बस बाबा, फूट गई, टूट गई। क्यों रे, तूने मुझे क्या समझ रखा है? अपनी किस्मत बताई, खाली बोतल गिफ्ट देकर खोखले रोमांटिक डायलॉग बोलकर मुझे बेवकूफ बनाया। नहीं 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 नीते जी, बात ऐसी है, ये जो हम तुम्हारे ही पास आ रहे थे, इतनी बेहुदा हरकत करने के बाद भी तुम मेरे पास आ रहे थे? हाँ, तुम्हारी ये हिम्मत? हिम्मत नहीं, किस्मत। शट अप। बात ऐसी है नीते, हम क्या बोलूं तुमको, दोस्त हमारा नहीं है, ये जो दुनिया का है। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं है, ये प्रेम का प्यास है नीते जी। ये है दूसरा निभिंग इन पेरिस, इसको स्वीकार करो और हम पर उपकार करो, ये एकदम भरा हुआ है। ये ठीक है, ये ठीक है ना? हाँ। निकलो यहाँ से। थैंक यू डार्लिंग। फोटोज तो बहुत दिनों से तैयार है। जी हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी। घंटी अजीब है, घर में नहीं है। पता नहीं बिजली कैसे चली गई। अरे तुम्हारी आंटी तो क्या, तुम्हारी आंटी की आंटी भी हमको अलग नहीं कर सकती। हेलो, ये 53370 है? हाँ आप? मैं शीला बोल रही हूँ। राजेश कहाँ है? मैं अभी उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। आप कौन है? मैं उनकी दोस्त हूँ, मुझे राजेश के ऑफिस से पता चला कि वो आजकल यहाँ रह रहे हैं,
लेकिन आप कौन हैं? आप तो वाकई लाजवाब हैं किरण जी, आपका हमारा साथ तो हमेशा रहेगा ना? हाँ हाँ, वो मुझे पता चला किरण जी। मिस्टर चोपड़ा, वो क्या कि मेरा पेमेंट? किरण जी, इसमें शर्माने की क्या बात है, मैं 5,000 कैश भिजवा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा किरण जी, बाय बाय। अरे राशि, तुम यहाँ क्यों आ गई? क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था? नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे फोन कर देती, मैं खुद आ जाता। वो क्या क्या अपने दफ्तर में मैं किसी से बिजनेस के अलावा मिलता ही नहीं। ये दफ्तर वाले भी मेरी टेबल पे न जाने क्या क्या रख देते हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, बिलू, हेलो। हेलो राशि, राशि मेरी बात तो सुनो। हेलो राशि, राशि बात क्यों नहीं करती? राशि जवाब तो दो। हेलो राशि, दो दिल लूटे हैं एक दूजे से, फटिक तुझे मिलाना है राजेश को राशि से। अरे बाबा। हेलो, कौन? राशि जी नमस्कार, मुझे आपको एक संदेश देना है। संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। कौन बोल रहे हैं आप? मैं एक तुच्छ मनुष्य हूँ, लेकिन एक उच्च कोटि का कवि हूँ, परम मित्र हूँ राजेश का। क्या चाहते हैं आप? हम चाहता हूँ आज संध्या में आप देवी के मंदिर में जाएं। देवी के मंदिर में? हाँ, वही तो, जहाँ आपका और राजेश का प्रेम मिलन होता रहा है। आप ठीक 4 बजे में वहाँ पहुँच जाओ। क्यों? ये कारण कि आपके मन का भ्रम दूर हो जाएगा, राजेश स्वयं प्रकट होगा और सत्य से आपका परिचय होगा। तत्पश्चात आपका मस्तिष्क स्वच्छ हो जाएगा। आप जाएंगी ना? ठीक है। उरी बाबा, उरे राजेश, क्या क्या किए तेरे कारण हम? वो आएगी रे, आएगी। हेलो राजेश है? नहीं है। कहाँ होंगे इस वक्त? इस वक्त तो हम नहीं जानते कहाँ मिलेगा। शाम में महादेवी महालक्ष्मी के मंदिर में मिलने वाला है, 4 बजे। ठीक है, फिर मैं वहीं उनसे मिल लूंगी। थैंक यू। उरी बाबा,
ये कन्या कौन थी? कहीं कोनो गंडोगल तो नहीं हो गया?
कैसा जमाना आ गया है, कैसे बेशर्म लोग हैं। मुझे तो इसे बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। क्या हो गया आंटी? ये देख कैसी बेशर्म तस्वीर खिंचवाई है इसने। राजेश, मिस्टर चुपड़ा है आपका बेटा है? हाँ, ये राजेश ही तो मेरा बिल्लू है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, गाँव चली जाऊंगी, आज ही, अभी। नहीं नहीं, आप मुझे आंटी, हम लोग चले जाते हैं। क्या, तू क्यों जाएगी अपना घर छोड़ के? ये घर आपका है आंटी, हमारा नहीं। हमने आपको धोखे में रखा, मुझे नहीं मालूम था कि राजेश आप ही का बेटा। अरे 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 बेटी, चोपड़ा साहब, रो मत बेटी, रो मत। मैं जो तेरे साथ हूँ, हम दोनों मिलके इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर तक नहीं भूलेगा। ऐसी नीच हरकत, तेरे साथ ऐसा नाटक, मैं इसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो हमेशा याद रखेगा। हेलो राशि। हेलो भाई, वाह वाह वाह, क्या बना है फ्लैट, क्या डेकोर है, क्या रंग है, क्या कलर स्कीम है, बिल्कुल मैचिंग। वाह वाह वाह, इधर देखो कि... यहाँ देखो, मिस्टर चोपड़ा का डायरेक्टर। चोपड़ा साहब? चोपड़ा साहब शीला के साथ? तो इसका मतलब है कि चोपड़ा साहब बहुत अच्छे तैराक होंगे, स्विमर है ना? तैराक? हाँ, मेरा बिल्लू तैरता तो बहुत अच्छा है। आप? ये चोपड़ा साहब की माँ है। नमस्ते। तो आपका लड़का बिल्कुल चैंपियन स्विमर होगा, तैराक, क्योंकि शीला को चैंपियन स्विमर के साथ फोटोग्राफ खिंचवाने का बहुत शौक है। मेरे साथ भी खिंचवाइए। क्योंकि मैं भी चैंपियन स्विमर हूँ। आज सुबह ही मुझे फोटोग्राफ दे गई थी। यू नो माय डियर राशि, ये शीला है ना जो, इसमें एक कमजोरी है, जैसे मुझ में केक खाने की कमजोरी है, शी इज मैड। जहां भी कोई ऐसे चैंपियन स्विमर मिल जाता है, बस धड़ाम से फोटोग्राफ खिंचवा लेती है। शी गो माइल्स, कहीं भी चली जाएगी, चैंपियन स्विमर मिला हो फोटोग्राफ। राजेश, अरे राजेश कहाँ है? Oh, hello, Mr. Kapoor. शीला, long life, talk of the devil, यानी तुम्हें लंबी उम्र, यहाँ पे कैसे आना हुआ? राजेश से you know, मुझे मीर सिंह का एड्रेस लेना था। मीर सिंह? हाँ, इंडिया के नंबर वन स्विमर। अच्छा, क्यों? उनके साथ फोटो खिंचवानी है, बहुत जरूरी है। देखो, एड्रेस वेड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। क्या? मीर सिंह तो मेरा लंगोटिया दोस्त है। हाँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा वहाँ पे। लेकिन पहले इनसे मिलो, राशि, शीला। वाकई बहुत खूबसूरत हैं आप, जैसा राजेश का कहना है। राजेश हर टाइम आपका जिक्र करते रहते हैं, हर वक्त तारीफ करते रहते हैं आपकी, और आप हैं भी तारीफ के काबिल। वैसे आपके टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग्स? इनका मतलब है कि 200 मीटर, 400 मीटर स्विमिंग कंपटीशन में कोई आपने प्राइज जीते होंगे, रिकॉर्ड तोड़े होंगे, ताकि ये आपके साथ फोटोग्राफ खिंचवा सके। लेकिन मुझे तो तैरना ही नहीं आता। क्या, स्विमिंग नहीं आती? नहीं आता तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। केक खाइए, केक, केक आप खाएंगे? नहीं तो आप खाइए। नहीं तो आप खाइए। चोपड़ा साहब को बाद में मिलेंगे, पहले मैं इनको मीर सेंसर मिलवाता हूँ, मेरा लंगोटिया है ना। चलिए। अच्छा, चलिए। माँ, कैसी हो तुम? माँ राशि, तू यहाँ क्यों आया? तू तो यहाँ नहीं रहता है ना, ये घर तेरा तो नहीं है? हाँ नहीं, मेरा मतलब है पहले तो मैं यहाँ, फिर वो ये सब हो गया ना, वो तो मैं वहाँ, अब तुम आ गई हो ना माँ, तो यहाँ। ये क्या यहाँ वहाँ लगा रखा है? नहीं माँ, मैं तो। आंटी, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, अब चलना चाहिए। ठीक है, मैं भी अपना सामान तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, तब तक मैं नीचे इंतजार करती हूँ। ऐसे घर में जहाँ ये है, एक पल भी रहना मुश्किल है। अरे अरे माँ, माँ मेरी बात, राशि
राशि, राशि ये बैग क्यों पैक कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? कहीं भी, इतनी बड़ी दुनिया में इस घर के अलावा क्या और कोई जगह नहीं है? लेकिन मैंने किया क्या है? क्या किया तुमने? इतना बड़ा छल कपट करने के बाद पूछ रहे हो कि क्या किया है? छल कपट मैंने? हाँ, तुम इसे झूठ बोलते रहे, मुझे धोखा दिया, मेरे पैर का मजाक उड़ाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ चुप रहा। तुम मुझे यहाँ लाकर मेरे फ्लैट को अपना फ्लैट बताती रही, तब भी मैं चुप रहा। मुझे क्या मालूम था कि ये तुम्हारा ही फ्लैट है? मैं अमीर नहीं हूँ, ये जानकर कहीं तुम इससे दूर ना हो जाओ, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला, क्योंकि मैं तुम्हें चाहने लगी थी। अरे तो मैं भी तो तुम्हें चाहने लगा था ना, इसीलिए तो मैं चुप रहा, तुम्हें टोका नहीं और तुम बोलती गई झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। लेकिन ये सब तो मैंने अपने प्यार के लिए किया, सही मौका मिलते ही मैं तुम्हें सब कुछ बता देने वाली थी। अरे तो मैंने भी तो सब कुछ प्यार के लिए किया ना, हम दोनों के प्यार के लिए, और सही मौका मिलने पर मैं भी सब कुछ बता देने वाला था। तो अब दोनों का हिसाब बराबर हो गया ना, तो अब मुस्कुरा दो जरा, अरे जरा ठीक से मुस्कुरा दो राशि। हाँ चल, मैं तैयार हो गई। लेकिन अरे यहाँ एक पल भी नहीं रहना है ना। हाँ तो फिर चल उठा ले। हाँ चल, माँ जल्दी चल चल। माँ 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 तुम नहीं जा सकती। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरा रास्ता छोड़। नहीं तो फिर मैं अकेला क्या करूँगा, मैं तुम्हें नहीं जानूंगा। देखो माँ। आंटी जब ये इतना कह रहे हैं तो रुक जाते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, रुक जाते हैं, लेकिन तू यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है तो मैं जाता हूँ फिर वहाँ। हाँ लेकिन 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 कुछ नहीं, जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती ये वहाँ, और शादी के बाद यहाँ। असंभव, ये रहेंगी यहाँ। हाँ वो तू रहेगा वहाँ। तो फिर हम दोनों रहेंगे कहाँ? मैं तो रहूंगी वहाँ, रहेंगे ये जहाँ। क्या तुम दोनों साथ रहोगे? माते अब हम दोनों रहेंगे जीवन भर साथ, पकड़ा है एक दूजे का हाथ, ये जे लेकर अग्नि के फेरे साथ। तुम दोनों ने शादी कर ली? हाँ आज ही। अभी अब मेरा क्या होगा? हाँ अब तो ये वहाँ नहीं रह सकते, और शादी के बिना यहाँ भी नहीं रह सकता। घबराने की कोई नहीं है बात, लाया हूँ पंडित को साथ। जय शिव शंकर। लग्न की शुभ घड़ी बीती जा रही है महाराज। अरे शादी इतनी जल्दी अभी? हाँ आज के बाद पूरा एक साल तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है महाराज। हाँ, पूरा एक साल लग्न का कोई मुहूर्त नहीं है माँ? आंटी मान जाइए ना प्लीज, आंटी मान जाइए। मान जाइए माते। ठीक है पंडित, मंत्र सुन कीजिए, दोनों का मिलन कीजिए, गुलशन बना है हमारा जहाँ। शुक्रिया तेरा यहाँ वहाँ।